10 अप्रैल मंथ से आज तक हमारे जो भी ड्राइंग के टॉपिक्स हुए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि वो सब टॉपिक आपको ड्राइंग के बुक में कंप्लीट करना है। और आज का हमारा टॉपिक होगा स्केचेस ऑफ ट्रीज, स्केचेस ऑफ ट्रीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट हम लोग स्केचेस के लिए पेन या फिर पेंसिल का यूज करेंगे। मैं आपको अलग अलग ट्रीज, अभी ये बनाना ट्रीज मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से बनाना का ट्री आपने देखा ही होगा, उसके पत्ते कुछ ऐसे फटे हुए रहते हैं लाइक दिस, और नीचे ऐसे और सेंटर में एक लाइन, ओके लाइक दिस। दो तीन लीव्स ऐसे ही ड्राइंग करेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। दिस बनाना ट्री इज ओवर। नाउ सेकेंड वन कोकोनट ट्री हम लोग करेंगे लाइक दिस, नीचे नीचे उसका ये पोर्शन बड़ा होता जाएगा। ओवरलैपिंग किया है मैंने अभी यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कोकोनट ट्री का ऐसा इफेक्ट दिखाना है। मैं सिंपल सिंपल मैं आपको दिखा रही हूँ स्केचेस। ये आप घर में बैठे बैठे या फिर घर के सामने आपके कोई ट्रीज होंगे उसको देख के आप ड्राइंग कर सकते हो। ये हो गया कोकोनट ट्री। नाउ लाइक दिस ओनली ऐसे क्लाउड का इफेक्ट दिखाना है, फ्लावर के शेप में ऐसे। ओके, फिर बीच बीच में ऐसे ब्रांचेस दिखाओ। और उसका ट्रंक, उसके लाइन्स, उसके ऊपर ऐसा राउंड राउंड शेप रहता है, वो इफेक्ट दिखाओ। ओके, और नीचे के साइड में ऐसे आप शेप दिखा सकते हैं ऐसे, और उसके बीच बीच में ऐसे स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स दिखा सकते हैं। ये मेमोरी ड्राइंग में आप इसका यूज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, और बैक साइड में ऐसे ग्राउंड अनइवन दिखना चाहिए उसे। लाइक दिस कंप्लीट दिस टॉपिक एट होम एंड एंजॉय योर स्केचेस। थैंक यू।